लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। एपीएमसी के संचालक विजय भूता के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी युवा मोर्चा नई मुंबई के जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले ने विजय भूता के गाला क्रमांक E29 के दुरुपयोग और अवैध निर्माण का मुद्दा उठाते हुए एपीएमसी बाजार सचिव को शिकायत दी है और उनका लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी युवा मोर्चा के नई मुंबई जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले ने एपीएमसी मसाला मार्केट के नवनिर्वाचित संचालक विजय भूता के अवैध कारनामों का काला चिट्ठा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की है। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले ने आज मंडी सचिव को शिकायत देते हुए कहा कि एपीएमसी खरीद विक्री अधिनियम 1963 के अनुसार मार्केट में जो भी गाले आवंटित किए जाते हैं उसका उपयोग यदि कृषि उत्पादों के लिए नहीं होता है तो उसका लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है, लेकिन मंडी संचालक विजय भूता के भूता ब्रदर्स के गाला क्रमांक E29 का वर्ष 2014 से कोई उपयोग नहीं हुआ है, इसके बावजूद उसका 3 बार नवीनीकरण किया गया जो गैर कानूनी है। दत्ता घंगाले ने गाले में अवैध निर्माण और उसके दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए उसका लाइसेंस तत्काल रद्द करने की मांग की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एपीएमसी ने जो हमें लेटर दिया है उसमें ये उससे ये साफ होता हो जाता है कि 2014 से 2021 तक विजय भूता जी ने लाइसेंस तो रिन्यू किया है लेकिन कोई भी व्यापार नहीं किया है। उसकी कोई उनके पास जो शेतमाल आया है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया है, उसकी जो रजिस्टर में जो एंट्री की जाती है वो कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब उनके पास कोई शेतमाल आया नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया नहीं है। इसके बावजूद इनका लाइसेंस रिन्यू किया गया है। उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य उनको संचालक पद की जो इलेक्शंस है, निवडणूक है, उसमें हिस्सा लेने के लिए उनको मदद की गई है। इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है और इनका संचालक जो डायरेक्टर है इसका इनको रद्द करने के लिए, उसको अपात्र करने के लिए हमने पणन संचालक इनके पास 25 तारीख को लीगल में उनका दावा भी दाखिल किया है। बताना जरूरी है कि नई मुंबई की एपीएमसी मंडियों में भूता ब्रदर्स जैसे कई ऐसे व्यापारी हैं जो एपीएमसी कानूनों का मजाक बनाते हुए लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि दर्जनों व्यापारी कृषि विपणन के लिए लाइसेंस के इंतजार में हैं। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले ने कहा कि कानून का मजाक बनाने वाले भूता ब्रदर्स का लाइसेंस रद्द कर वांछित लोगों को दिया जाना चाहिए जो वाकई कृषि उत्पादों का व्यापार करना चाहते हैं। दत्ता घंगाले ने कहा कि एक संचालक होने के नाते भी ऐसा अवैध कारनामा विजय भूता के पद और प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यापारी लंबे अरसे से ये आस पे बैठे हैं कि मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति हमें लाइसेंस देगी, उनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो नहीं काम कर रहे हैं उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, उनको डायरेक्टर बनाया जा रहा है। इसकी हमारी ये मांग है कि जो सही पैमाने पे काम कर रहे हैं उनको लाइसेंस दे दो और जो नहीं कर रहे उनका कैंसिल करो। और विजय भूता जी डायरेक्टर है तो उनको अलग न्याय नहीं चाहिए, ताबड़तोप इनका गाला निकाल लेना चाहिए और जो धंधा व्यापार करना चाहता है उसको दे देना चाहिए और इनका लाइसेंस भी रद्द करना चाहिए। इस मांग के ऊपर हमने आज सचिव साहब से मुलाकात की। 2014 पासून ते आजपर्यंत त्यांनी कुठलीही बाजार फी भरलेली नाही आहे, तरी देखील त्यांचं लायसन हे रिन्यू करण्यात आलेलं आहे आणि जर ते व्यवसाय करत नसेल तर त्यांचं लायसन रिन्यू केलं गेलं नाही पाहिजे होतं आणि लायसन रिन्यू झालं नाही तर ते निवडणूक लढवण्यासच पात्र नाही। फक्त आणि फक्त संचालक मंडळाची निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांनी हे लायसन हे केलेलं आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांच्या डिस्क्वालिफिकेशनची केस ही पणन संचालकांकडे दाखल केलेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।